एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज है संडे, इट्स अ ब्राइट डे टुडे। और संडे मतलब लेजी डे। मैं उठी हूँ 9 o'clock, अभी ऑलमोस्ट 9:30 हो चुके हैं। और क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है मेरी संडे को, मतलब जल्दी क्लीनिंग फास्ट मैं कर लेती हूँ। बाकी वीकडेज में डीप क्लीनिंग वगैरह जो भी है वो हो जाती है। और बस अब मैं नहाने जा रही हूँ, उससे पहले मैं ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन कर दूँगी। शायद अभी कुछ शॉर्टकट ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 o'clock हो जाएंगे। जब तक मैं नहा धो के आऊँगी तो फिर और लेट हो जाएगा। तो मैं शायद मैक्रोनी सोक करके जा रही हूँ, सॉरी नॉट सोक, बॉयल करके जा रही हूँ। जाऊँगी एंड देन उसके साथ ही मैं वेजीज वगैरह सब कट करके चले जाऊँगी। एंड देन जैसे ही फटाफट नहा के आऊँगी तो फिर मैं फटाफट से उसको प्रिपेयर कर दूँगी। एंड देन फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। सो मैं नहाकर आ गई हूँ, अभी भी मुझे नींद आ रही है ऐसा लग रहा है। हाँ, तो मैं प्रिपेयर करके गई थी सब ब्रेकफास्ट के लिए, और मैं जैसे ही किचन में जा रही थी तो मैंने देखा कि इट्स रेडी। तो हु कुक इट? अरे किसने बनाया? अरे नो वन यार, माय हस्बैंड कुक्ड इट। इट्स नॉट लाइक दैट, एट टाइम्स ही कुक, व्हेनेवर ही गेट टाइम ही कुक। तो उन्होंने बना लिया। एंड द बेसिक थिंग इज़ ही वॉज गेटिंग लेट बिकॉज अयान को कुछ चार्ट पेपर चाहिए था उसके प्रोजेक्ट के लिए। दे वॉन्ट टू गो फॉर दैट, तो दे हैड इट इन द इवेंट, दे बोथ वेंट। अभी मैं और रिद्धि बचे हैं, फटाफट से हम भी नाश्ता कर लेते हैं गरम करके उसको, एंड देन आई विल कैच यू आफ्टर सम टाइम। तो यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ, फटाफट से अपने लिए ब्रेकफास्ट गरम कर रही हूँ। थोड़े सॉसेज ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे स्पाइसी मैक्रोनी बहुत पसंद है, साथ थोड़ा चीज़ भी ऐड कर दूँगी। और ये देखिए रेडी है मेरी स्पाइसी चीज़ी मैक्रोनी। तो चलिए फिर इसको इन्जॉय करते हैं फटाफट से। साथ ही साथ मैंने रिद्धि को भी दे दिया है थोड़ी, उसको स्पाइसी नहीं दी है, नॉर्मल दिया है। और बस तब तक ये भी खाती है तो मैं भी अपना मैक्रोनी खा लेती हूँ। चलिए फिर मैं भी टेस्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि कैसी बनी है ये। रियली में बहुत टेस्टी बनी है। माय हस्बैंड कुक्स रियली गुड चाइनीज़, एक्चुअली आई लर्न फ्रॉम हिम ओनली। और उसके बाद फटाफट से मैं किचन में आई हूँ, मुझे थोड़ा जूस पीने का मन कर रहा था। बाकी सब ने तो वाटरमेलन कट करके खा लिया है, बट मुझे ऐसे सीड निकाल निकाल के खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि उसका जूस बना लूँ। तो बस अपने लिए फटाफट से थोड़ा जूस बना लेती हूँ और फिर इसको पी लेंगे। तो मैंने इसमें थोड़ा हाफ लेमन और ब्लैक सॉल्ट डाला है, उसको मिक्स करेंगे एंड इट्स गुड टू गो। बहुत टेस्टी लगता है, आप इसको ट्राई करना एक बार, बनाना ज़रूर, और गर्मियों में तो बेस्ट है ये। तो चलिए मैं फटाफट से अपना जूस इंजॉय करती हूँ। इंजॉय करते करते मैं ये भी सोच रही थी कि अब लंच में क्या बनाया जाए, तो बस वही चल रहा था मेरे दिमाग में। और जूस बहुत टेस्टी था। तो फिर लंच की जब बात आई तो मैंने अयान से पूछा एंड वो बोला मम्मा आज कुछ तो चाइनीज़ खाते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, विल मेक हक्का नूडल्स, क्योंकि हक्का नूडल्स सबको बहुत पसंद है। तो बस सारी वेजिटेबल्स उठा के मैंने काटना शुरू कर दिया। आई एम नॉट परफेक्ट इन चॉपिंग ऑन चॉपिंग बोर्ड बट आई एम ट्राइंग। तो मैंने सारी वेजिटेबल्स फटाफट से कट करी, साथ साथ नूडल्स भी मैंने बॉईल करने रख दिए थे। नूडल्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। कढ़ाई में गर्म किया है, थोड़ा ऑयल उसमें डाला है। सबसे पहले गार्लिक, गार्लिक तो चाइनीज़ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इट गिव्स द बेस्ट फ्लेवर टू चाइनीज़। और थोड़ा सा स्लिट किया हुआ ग्रीन चिली डाला है, उसको हल्का सॉटे की रही। फिर सारी वेजिटेबल्स, सबसे पहले अनियन को थोड़ा सॉटे करूँगी और बस सारी वेजिटेबल्स डाल देंगे। इनको थोड़ा सा सॉटे करना है, बहुत ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है। और बस फटाफट से जैसे ही 1-2 मिनट हो जाए इसमें डाल देंगे नूडल्स। और नूडल्स डालने के बाद सारे सॉसेस, चिली सॉस, टमाटो सॉस, सोया सॉस, थोड़ा सॉल्ट, थोड़ा ब्लैक पेपर, ये सब डाल के अच्छे से मिक्स करके 1-2 मिनट कुक करेंगे और बस रेडी हो जाएंगे आपके हक्का नूडल्स। और ये बहुत टेस्टी लगते हैं, ट्राई ज़रूर करना। मैं तो जा रही हूँ उनको गर्मा गर्म खाने। अभी बजे हैं शाम के 4:30 और हस्बैंड ने बोला है कि वी आर गोइंग आउट समवेयर। तो उन्होंने कहा फटाफट से रेडी हो जाओ, तो हम सब रेडी हो चुके हैं। मैं और रिद्धि यहाँ पर थोड़ा फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं और चलिए हम निकल चुके हैं ऑलमोस्ट 5 o'clock घर से। और बस आई वॉज़ एक्साइटेड कि पता नहीं कहाँ जा रहे हैं आज, चलिए देखते हैं। और बस जैसे ही हम निकले हैं आधा रास्ता मुझे याद आया कि अरे आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई ट्राईपॉड एंड माई माइक। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, देखते हैं। और मैं आपको साथ साथ व्यूज़ भी दिखाती रहती हूँ। देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है, बहुत अच्छा मौसम हो रखा था। और ये हम आ गए हैं अभी चेन्नई एयरपोर्ट को क्रॉस करने वाले हैं। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं मीनम्बक्कम एयरपोर्ट है लेफ्ट साइड में। और एक और अच्छा व्यू आया है यहाँ पर, देखो फ्लाइट लैंड कर रही है, दिख रहा है ना, ये देखिए। तो अभी घर से निकले हुए ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हो चुके हैं और शायद हमारी डेस्टिनेशन आ गई है, क्योंकि गाड़ी थोड़ी स्लो डाउन हुई है।
और ये है आई थिंक हबलिस होटल, बट मैं कंफ्यूज थी यहाँ पर कि होटल आज तो वीकेंड भी नहीं है और यू नो कल दीपक का भी ऑफिस है, यान का भी स्कूल है, तो होटल हम क्या करने जा रहे हैं। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, अभी इतना जो वेट किया है तो थोड़ा सा और सही, और थोड़ी देर बाद पता लग ही जाएगा। तो बस हम यहाँ पर गाड़ी वगैरह अपनी पार्क कर देंगे यहाँ पर। सो वी एंटर्ड इन द होटल, तो एम्बियंस बहुत ही अच्छा था, तो आई स्टार्टेड कैप्चरिंग सम यू नो नाइस व्यूज एंड ऑल। तो बस फटाफट से फिर हम लोग ने स्टार्ट किया जाना जहाँ पर हमें जाना है, एंड फिर व्यूज़ बहुत अच्छा था होटल्स के जो भी, तो वी प्रेफर टू गो फ्रॉम स्टेयर इंस्टेड ऑफ लिफ्ट। तो यहाँ पर जब पहुँचे तो मुझे लगा अब तो किसी का फंक्शन है यहाँ पर, वेलकम वगैरह सब है, डिनर वगैरह रेडी है, और यहाँ पर ये वेलकम ड्रिंक तो मैंने 2-3 बार पी थी, कस्टर्ड एप्पल का शेक था। और एंड एज सुन एज आई एंटर इन साइड आई गॉट टू नो वट इज इज एग्जैक्टली, एंड यू गेट टू नो नाउ। जस्ट सी, वी आर गोइंग ऑन द स्टेज टू रिसीव आर लकी बम्पर प्राइज, नॉट बम्पर एक्चुअली, बट या इट्स अ लकी ड्रॉ फॉर अस। एंड आई एंड अयान वेंट टू रिसीव द प्राइज विच इज़ अ मिक्सर ग्राइंडर विच आई ऑलरेडी हैव एट होम, बट लाइक इट्स अ प्राइज सो वी शुड एक्सेप्ट इट, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, दैट इज टू इन द लकी ड्रॉ। सो आई वॉज सो हैप्पी। इट्स ऑर्गेनाइज फ्रॉम द ब्रांड पोथीज विच इज़ वेरी फेमस फॉर द ऑल साउथ इंडियन साड़ी, दे हैव द ह्यूज कलेक्शन फॉर साड़ीज, नॉट ओनली साड़ीज बट ऑल द आइटम विच यू नीड इन योर डे टू डे लाइफ, किचन इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब सब कुछ। वी वेंट फॉर शॉपिंग फ्यू मंथ्स बैक वेयर देयर वी फिल्ड द कूपन एंड दैट्स हाउ वी बिकेम लक्की, एंड दे ऑर्गेनाइज द ग्रेट इवेंट फॉर ऑल द लक्की विनर्स, followed by a great dinner with a variety of foods available there, both South Indian and North Indian, which I couldn't, you know, record. आपको पता है बच्चों के साथ कितनी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज रिधि वॉज क्रैंकी, शी वॉज क्राइंग अ बिट, बट वी इन्जॉयड दैट इवनिंग अ वंडरफुल वे। सो इट्स टाइम टू गो बैक नाउ, होप यू लाइक द वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।